मुंगेर पुलिस लाइन में कई कांडों में जब्त शराब को जेसीबी के द्वारा किया गया नष्ट। बता दें कि मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित न्यू पुलिस लाइन में जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान 70 कांडों में जब्त लगभग लाख रुपए के मूल्य के शराब का विनिष्टीकरण किया गया। यह शराब 70 कांडों में बरामद किया गया था। बताते चलें कि जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर आज पुलिस लाइन में विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त 2154 लीटर देसी एवं विदेशी शराब को दंडाधिकारी की देखरेख में विनष्ट किया गया। पुलिस लाइन मैदान में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर शराब को विनष्ट कर गड्ढे में डाल दिया गया। उत्पाद अधीक्षक विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस लाइन मैदान में दंडाधिकारी की देखरेख में विभिन्न थाना क्षेत्रों के 70 कांडों में जब्त 1923 लीटर देसी शराब एवं 231 लीटर विदेशी शराब नष्ट किया गया। कुल 2154 लीटर शराब विनष्ट किया गया। इस दौरान संबंधित कई थानाध्यक्ष भी मौजूद थे। के आदेश पे किया गया, कितना किया गया सर बताओ। समारता मुंगेर के आदेशानुसार जिला के विभिन्न थाना और उत्पाद थानों में जितने भी शराब विनष्टीकरण के लिए थे उनका आज विनष्टीकरण किया जा रहा है। और जिसमें कि कुल 70 कांड में देसी शराब 1923.4 लीटर और विदेशी शराब 231.525 लीटर नष्ट किया जा रहा है। कुल शराब 2154.925 लीटर नष्ट किया जा रहा है। कितना मूल्य का होगा सर शराब लगभग बता दीजिए। ये शराब विदेशी शराब का मूल्य तो वैसे कोई यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि अवैध चीज है, इसका मूल्य तो निर्धारित किया नहीं जा सकता है, कोई ऑथेंटिक मूल्य नहीं है। सर एक सवाल और पूछना चाह रहे थे, लगातार आपके द्वारा भी छापेमारी कर, इतना शराब क्यों आखिर हो जाता है, इतना क्यों? मुंगेर जिला में चुलाई शराब का ज्यादा ये है और लगातार इसके लिए छापामारी की जा रही है और इसी के लगातार छापामारी का परिणाम है कि ये दिखा।